नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भिन्न क्या है, भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। तो देखते हैं भिन्न क्या है। भिन्न क्या है, मान लीजिए कोई ये सामान है, मान लीजिए ये कोई सामान है, किसी सामान को जब हम पूरा पूरा किसी को देते हैं, मान लीजिए कोई सामान है किसी व्यक्ति को, हम क्या करें, किसी व्यक्ति को हम दे रहे हैं इसको पूरा पूरा देंगे तो उस कंडीशन में भिन्न नहीं होगी। लेकिन इसी सामान को, मान लीजिए वही सामान यहाँ पे है, और इसी सामान को हम क्या करें, इसको टुकड़ों में बांट करके मतलब इसका कुछ अंश या इसके कुछ टुकड़ों को अगर दे तो उस टाइम क्या बनती है, भिन्न बनती है। कहने का मतलब ये कि जब आप किसी को कोई सामान पूरा पूरा दे देते हैं तो उस समय भिन्न नहीं बनती है, लेकिन उसमें से कुछ अंश निकाल करके, कुछ पार्ट निकाल लेते हैं तो वहाँ पर भिन्न बनती है। जैसे हम कह लें ये क्या है, एक कोई सामान, इसको चार भागों में बांटा गया है। इसका ये रंगा हुआ भाग क्या, मान लीजिए रंगा भाग है, रंगा भाग निकाल करके किसी को देना है तब वहाँ पे भिन्न बनेगी। तो आप कहेंगे इस रंगे हुए भाग की भिन्न कितनी होगी, रंगे भाग की भिन्न कितनी होगी। तो जितने टोटल भाग दिया गया था वो नीचे लिखते हैं, 1, 2, 3, 4, मतलब अगर कोई सामान जितने भागों में बांटी गई वो उसको क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं। और जितना भाग दिखाना होता, मान लीजिए हमें रंगा हुआ भाग निकाल करके देना है, ये इसको दिखाना है, तो बटे में ए या उसके ऊपर में 1 लिखते हैं। कहने का मतलब कि जब ये चार भाग है, चार भाग नीचे लिखेंगे, जितना भाग निकाल करके देना है या निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे। अब इस कंडीशन में जो ऊपर लिखा गया होता है उसको अंश कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। जो नीचे लिखा गया होता है उसको हर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हर कहते हैं, उसको अंश और इसको हर कहते हैं। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि भिन्न बनती कब है, भिन्न बनती कब है। इसी प्रकार मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, मान लीजिए ये कोई सामान है, इसको हम मान लेते हैं इस तरह करके, ये कितने भागों में बांट दिए, 3 भाग, 1, 2, 3, 1, 2, 3, यानी इसको अगर भिन्न के रूप में लिखना होगा, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है तो 3 लिखेंगे ही लिखेंगे। क्यों 3 लिखेंगे, कि अगर रंगे भाग का पूछेगा जितना देना वो, और बिना रंगे भाग का पूछेगा उसमें, दोनों कंडीशन में आप बटे में 3। क्यों, क्योंकि ये 3 भागों में बांटा गया है। तो मान लेते हैं इसमें क्या, कि ये भाग रंगा है। तो अब कोई पूछे ये इस रंगे भाग की भिन्न क्या होगी, तो रंगे भाग की भिन्न आप देखेंगे कितना रंगा हुआ भाग, टोटल भाग 1, 2, 3 हमने यहाँ लिख दिया, जितने भाग में बांटा गया होता है और नीचे बटे में लिखते हैं, और जितना रंगा हुआ भाग होता है कितना है, रंगे भाग का पूछा तो 1, 2, 2 ऊपर लिख दिए, यानी रंगे भाग की भिन्न कितनी हो गई, 2/3 हो गई। अब आप कहेंगे बिना रंगे वाली की भाग की भिन्न कितनी होगी, तो टोटल कितनी है, 1, 2, 3, 3 हमने बटे में लिखा हुआ है, और बिना रंगा वाला भाग कितना, 1 है, तो इसलिए कहेंगे ये। तो रंगे हुए भाग की भिन्न कितनी हो गई, 2/3, और बिना रंगे हुए भाग की भिन्न कितनी हो गई, 1/3। अभी आपने जाना कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। भिन्न में और कुछ समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये 2/5 लिखा है, इसका मतलब ये कि इतने में से इतना है, मतलब कोई सामान है इतने में से इतना लिया गया है, ये आप लिख सकते हैं इसको, ये आप समझ सकते हैं भिन्न के बारे में। दूसरी चीज़ ये भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये कोई सामान है, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्या, कि 2/4, मतलब बटे का मतलब भाग भी होता है, इसको इस तरह भी समझ लेंगे कि कोई चीज़ 2 है उसको 4 भागों में बांटना है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते, 2/4, यानी 2 को 4 भागों में बांटेंगे तो कितना कितना आएगा। तो ये तो भिन्न आप समझ गए होंगे, भिन्न कब बनती है, भिन्न जब टुकड़ों का हिसाब करना होता है तब बनती है। भिन्न कब बनती है, जब टुकड़े करके हिसाब करना होता है किसी सामान का, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, तब वहाँ भिन्न बनती है। और भिन्न को आप इस तरह डिनोट करेंगे कि मतलब कितना देना है या कितना नहीं देना, कि ये भिन्न के रूप में लिखेंगे। और भिन्न को और इस तरह भी समझेंगे कि मतलब इतने में से इतना लिया गया है,
तीन में से मतलब पांच में से दो लिया गया, पांच से दो लिया गया है या निकाला गया, लिया गया या निकाला गया, पाया गया है। और इसका और भी मतलब हम समझते हैं क्या कि मतलब दो को चार भागों में बांटना है, जैसे दो है तो दो भागे चार करेंगे तो यानी दो को चार भागों में बांटना है। तो भाई आप आई होप आप समझ गए होंगे कि भिन्न क्या होती है और भिन्न में अंश और हर क्या होता है, अंश और हर क्या होता है। और इस तरह अगर लिखा हो तो उसका मतलब पाँच में से दो ये भी होता है, इसका मतलब दो से चार में भाग देना है यानी चार से दो में भाग दी गई ये भी होता है। तो इस तरह होता है। तो भिन्न कई तरह की होती है, जैसे मान लीजिए सम भिन्न हो गई, विषम भिन्न हो गई, मिश्र भिन्न हो गई। तो सम भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है, तो ये आप जानेंगे। मान लीजिए सम भिन्न क्या है, सम भिन्न मतलब जिसका क्या है, जिसका अंश छोटा हो हर से, मान लीजिए अंश छोटा हो एक बटा दो, ये क्या है, ये सम भिन्न, एक बटा दो, तीन बटा चार, ये सम हो गई। विषम भिन्न क्या हो गई, विषम भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न, विषम भिन्न मतलब जिसका अंश बड़ा हो हर से, ये अंश हो गया और ये हर हो गया, विषम भिन्न हो गई। मिश्र भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न क्या होती है, मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न का मतलब दो सही एक बटे दो। इस फॉर्म में अगर कोई चीज़ लिखा है, कोई भिन्न लिखी है तो उसको मिश्र भिन्न कहते हैं। इसको पढ़ते क्या है, दो सही एक बटा दो, दो सही एक बटा दो। इसको विषम भिन्न में बदलते कैसे हैं, इसका गुणा यहाँ दो दूना चार और एक ये पाँच, यानी इसका इसका गुणा करके ये जोड़ देंगे तो ये विषम भिन्न में बदल जाएगी। दो दूना चार एक पाँच, दो दूना चार एक पाँच, दो दूना चार एक पाँच। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भिन्न है, भिन्न के प्रकार हैं मेनली मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं, सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न, सम भिन्न, मिश्र विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। और आगे देखते हैं, और आगे देखते हैं कि भिन्न में कौन सी भिन्न छोटी है या कौन सी बड़ी है। भिन्न में मान लीजिए अगर तीन बटा चार आपको दे दिया, दो बटा चार दे दिया, तो आप कहेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है। तो जब ये नीचे समान होता है, जब हर समान होता है तो ऊपर जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। यानी हम कह सकते हैं ये भिन्न क्या है, ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है, और ये भिन्न क्या है, ये भिन्न छोटी है। क्यों, क्योंकि हर इसका जो है, हर इसका क्या है, दोनों का समान है। अब उस कंडीशन को देखते, जब हर समान ना हो, मान लेते ये चार हो गया, ये पाँच हो गया, ये तीन हो गया, ये छः हो गया। अब इस कंडीशन में कोई पूछे इन दोनों भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है, या पूछा गया हो चार बटे पाँच और तीन बटे पाँच में भिन्न कौन सी बड़ी है, तो आपको तुरंत जवाब देने के लिए, तुरंत बताने के लिए क्या करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे। गुणा हम करते हैं, छः चौक को चौबीस यहाँ लिख दिए, छः चौक को चौबीस और ये पाँच तिहाई पंद्रह, पाँच तिहाई पंद्रह। अब हम देखते हैं जिसका ये वाला बड़ा होता वही भिन्न बड़ी होती, यानी ये चौबीस है, पंद्रह से बड़ी है, तो ये भिन्न हो गई बड़ी भिन्न हो गई, और ये भिन्न हो गई छोटी भिन्न हो गई। क्या हो गई, छोटी हो गई, ये भिन्न बड़ी हो गई और ये भिन्न छोटी हो गई। तो भिन्न को छोटी बड़ी देखने के लिए हम कैसे देखते हैं, भिन्न को छोटा बड़ा देखने के लिए, भिन्न को छोटी है या बड़ी है इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। इसका यहाँ गुणा कर देंगे, लिख देंगे जितना आएगा, इसका यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ लिख देंगे जितना आएगा वो आपका आंसर होगा। जैसे मान लेते एक और देख लेते हैं, दो बटा तीन और तीन बटा चार में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, तो तुरंत हम गुणा कराएंगे, तीन चौक चार दूना आठ, तीन त्रिका नौ, तीन त्रिका नौ। अब देखेंगे इसका अंश बड़ा, इसका अंश बड़ा आ रहा, तो हम लोग कहेंगे ये भिन्न बड़ी है, ये भिन्न बड़ी है और ये भिन्न क्या है, छोटी है। तो इस प्रकार अगर हम देखें, तो आपने इस टॉपिक में क्या देखा, इस वीडियो में क्या देखा, भिन्न क्या है, भिन्न को कैसे समझते हैं, भिन्न के प्रकार कितने हैं, भिन्नों में कौन सी भिन्न छोटी होगी, कौन सी भिन्न बड़ी होगी, ये सब हमने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू टू वॉच द वीडियो।